हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना नमकीन। वैसे तो ये व्रत में खाया जाता है, बट हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत जल्दी बनता है। मार्केट का खरीद के खाने की बजाय घर का बना के खाओ, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। मैंने लिया एक कटोरी नालून साबूदाना, आधा कटोरी मूँगफली, 10 बादाम है, 10 काजू है, आधा स्पून कुटी काली मिर्च है, 1 स्पून जीरा है, सेंधा नमक है, सूखा नारियल है, कुटी शक्कर और तेल डालने के लिए। सबसे पहले मैंने नारियलों साबूदाना को एक बाउल में डाला है, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के 5 मिनट के लिए रख दिया ताकि ये साबूदाना नरम हो जाए। गैस के ऊपर लोहे की कढ़ाई रख के उसमें तलने के लिए तेल डाला है। तेल जैसे गर्म हो जाएगा, अब मैं इसमें तलूंगी सारी चीज़ें। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है मूँगफली। मूँगफली को डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। हमें गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें तलना है, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। अब मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल। सूखा नारियल बहुत जल्दी भुन जाता है, लगातार चलाते हुए फ्राई करना। अब मैंने सूखा नारियल भी निकाल लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। काजू उसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ बादाम डाल के, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। ये भी इसको भी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें फ्राई करूँगी हमारा नायलों साबूदाना। हमारा जो नॉर्मल साबूदाना होता है उसके कंपैरिजन में ये मोटा रहता है, और इसको अंदर से डीप फ्राई करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के नरम करना ज़रूरी है। ऐसे भी हम लोग फ्राई कर सकते हैं, बट ऐसे करने से वो अंदर तक नहीं डीप फ्राई होगा और फ्राई करते समय उसकी छींटे उड़ेंगे, तेल में वो फूट जाएगा। अब ये फ्राई हो गया। मैंने जब साबूदाना डाला था तेल काफ़ी गर्म था, फिर मैंने गैस का फ्लेम स्लो करके मैंने उनको फ्राई कर दिया। अब मैंने नेक्स्ट बैच भी डाला, इसको भी सेम वैसे ही डालते समय गैस का फ्लेम हाई था, फिर मैंने स्लो करके इनको तल लिया। बस सारी चीज़ें तल गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। इसमें ये व्रत का है इसलिए मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ और कुछ वही चीज़ें ऐड कर रही हूँ जो हम लोग व्रत में खाते हैं। अगर आप नॉर्मल खाने के लिए बनाओगे तो आप अपने चॉइस अनुसार स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। मैंने सेंधा नमक डाला, अभी शक्कर डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी काली मिर्च, उसके बाद मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। जीरा को मैंने भून के पाउडर बना लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बस हमारा साबूदाना बन के रेडी है। टेस्टी और करारे साबूदाना नमकीन बन के रेडी है। इसे स्टोर करके आप 2 महीने तक रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।